हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज हम 10 एमसीक्यू सेशन करने जा रहे हैं। साइंस और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन आपके करंट रिलेटेड होंगे। हम डिटेल में करने वाले हैं। रिसेंट न्यूज से, लास्ट वीक जो साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट की न्यूज है, उससे ज्यादातर क्वेश्चन होंगे। एक दो आपके स्टैटिक पोर्शन से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली लास्ट, अगर मैं बात करूं यस्टरडे, आपका क्या हुआ कि एक टर्म बहुत ज्यादा न्यूज में है। द हिंदू में आर्टिकल भी आया है, रिलेटेड टू ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस। इससे रिलेटेड आपकी न्यूज है, रिसेंटली न्यूज में ये बहुत है। तो इसके बारे में तीन स्टेटमेंट गिवन है आपको। देखो, पहली है, इट इज रिसर्च एरिया फील्ड एम्स टू क्रिएट बायो कंप्यूटर्स वेयर ब्रेन कल्चर्स ग्रोन इन लैब आर कपल टू रियल वर्ल्ड सेंसर्स, ओके, एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सेकेंड है, साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू ग्रो कंप्लीट 3D मॉडल ऑफ फुल ब्रेन इन लैब, कि ब्रेन का जो लाइव मॉडल है बना चुके हैं वो। थर्ड है, दिस हेल्प्स इन स्टडी इन डिटेल अबाउट न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज और कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। ये तीन स्टेटमेंट गिवन है, हमें बतानी है कि करेक्ट कौन सी है। अब देखिए, करेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट आपकी गलत है, थर्ड स्टेटमेंट ठीक है। आप कहोगे सेकंड स्टेटमेंट गलत क्यों है, हम डिटेल में बात ही कर लेते हैं आपका ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस की। आंसर क्या है आपका? बी है। इसका आंसर क्या है? बी, 1 एंड 3 करेक्ट है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं, है क्या चीज, ये न्यूज में क्यों है। देखो, इन क्वेस्ट टू डेवलप सिस्टम दैट आर मोर रिलेवेंट टू ह्यूमंस, साइंटिस्ट आर बिल्डिंग 3D कल्चर ऑफ ब्रेन टिश्यू इन लैब। देखो क्या हुआ, पहले हम जो ब्रेन से रिलेटेड रिसर्च है ना, वो रैट्स में करते थे, और रैट्स और ह्यूमंस के ब्रेन में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। तो जो रेप्लीकेट करना है हमें, चाहे फॉर एग्जांपल किसी ड्रग की डिलीवरी को रेप्लीकेट करना है, तो आपको ब्रेन सेल्स अगर ह्यूमन के मिले वो बेटर काम करेंगे, वो एक्सपेरिमेंट ज्यादा सक्सेसफुल होंगे ना। तो जो ऐसे सिस्टम डेवलप करने के लिए जो मोर रिलेवेंट है टू ह्यूमन ब्रेन, वो उसके लिए साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, 3D कल्चर ऑफ ब्रेन कर रहे हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं मिनी ब्रेन्स। अभी तक सिर्फ 1 mm टू 4 mm के न्यूरो सेल्स आप कह सकते हो ग्रो कर पाए हैं। लगभग अगर मैं बात करूं 50,000 से लेके 1 लाख तक सेल्स, अब इसका अंदाजा लगा लीजिए कि लगभग लगभग 10 बिलियन सेल्स हैं हमारे ब्रेन से, ब्रेन में। तो अभी ये बहुत छोटा है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत होगी, ठीक है। अब जो कंबाइनिंग ब्रेन ऑर्गेनॉइड विद मॉडर्न कंप्यूटिंग मेथड, देखिए अभी रिसेंटली क्या किया गया है, जो ये मिनी ब्रेन बनाया था ना, इसको क्या, देखो ब्रेन कब काम करता है, जब हमारे सेंसर्स जैसे आईज, या मैं बोलूं टच का सेंस या टेस्ट, उसके रिसेप्टर सिग्नल पहुंचाते हैं ब्रेन तक, मतलब इनपुट ऑफ सिग्नल है। सेकेंड चीज है, उसको रीड करके हमारे पास क्या आउटपुट आती है, फॉर एग्जाम्पल इमेज, इमेज बनती है कि नहीं बनती रेटिना पे, वो सारी चीजों को रेप्लीकेट करने के लिए सिर्फ ग्रो करना ही इंपॉर्टेंट नहीं था, उसके रिजल्ट्स भी चाहिए हमें। तो जो ब्रेन है उसको क्या किया गया, उसका 3D स्ट्रक्चर विद आउटर वर्ल्ड इलेक्ट्रोड के साथ, इलेक्ट्रोड के साथ 3D स्ट्रक्चर को कनेक्ट किया गया। अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करने से क्या फायदा होगा, देखो इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करने के साथ क्या है, आप सिग्नल इनपुट दे सकते हो और सिग्नल आउटपुट ले सकते हो। सिग्नल इनपुट क्या, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे जो जो एग्जैक्टली सिमिलर होंगे किसके, जो आपका स्टिमुलई प्रोड्यूस करता है। स्टिमुलई मतलब कुछ भी, स्टिमुलई जैसे रेज हैं, या अगर मैं बात करूं आप टच करते हो, सेंस ऑफ हॉट टेम्परेचर, और मैं बात करूं कोई केमिकल है, टेस्ट कर रहे हो, वो कीमियो आपका क्या है, सेंसिटिव रिसेप्टर्स पे जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, वो भी कोई केमिकल हो सकता है, कुछ भी, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक सिग्नल इनपुट करेंगे इस इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, और उसके थ्रू आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके थ्रू क्या मिलेंगे, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी इसके चैलेंजेस हैं, इन फ्यूचर इसे रेप्लीकेट करना है, स्केल अप करना है। स्केल अप मतलब, अभी मैंने बताया ना 1 mm टू 4 mm तक का ही है, हमें पूरा ब्रेन डिजाइन करना है, और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो आपके डिजेनरेटिव
न्यूरो डिसऑर्डर्स है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है लाइक अल्जाइमर्स, या अगर मैं बात करूं पार्किंसन डिजीज है, उनको क्या करेंगे साइंटिस्ट? एक तो हेल्थी ब्रेन ले लेंगे, हेल्थी ब्रेन और एक डिजीज वाला ब्रेन सेल्स लेंगे, दोनों को ग्रो करेंगे और दोनों को देखेंगे कि जो ये सिग्नल है, इनपुट और आउटपुट सिग्नल में क्या डिफरेंसेस हैं, उससे हमें पता लग जाएगा ना, डायग्नोसिस डायग्नोस करना इजी रहेगा कि नहीं रहेगा, मुझे बताइए, है ना? दिस विल बी लाइक हेल्पिंग इन डायग्नोसिस ऑफ डिजेनरेटिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, और उनका इलाज भी ढूंढ पाएंगे, ड्रग डिलीवरी भी ढूंढ पाएंगे कि कैसे ड्रग्स को डिलीवर किया जाए। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हाँ जी, चलिए आगे बढ़े। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली इन न्यूज व्हाट इज टारगेट 30x30, अभी न्यूज में है, हिंदू में भी आया है, इंडियन एक्सप्रेस में भी आया है, 30x30 क्या है? तीन ऑप्शन है आपके पास, टू जनरेट, हाँ जी, टू जनरेट 30% ऑफ ग्लोबल एनर्जी थ्रू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बाय 2030। फर्स्ट ऑप्शन, टू रिड्यूस CO2 एमिशन बाय 30% बाय 2030, और ग्लोबल एफर्ट टू ब्रिंग 30% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एंड सी अंडर प्रोटेक्शन बाय एंड ऑफ डिकेड। फोर्थ है आपका, नन ऑफ दीस। देखिए क्लोज क्लोज है, इसका आंसर होगा सी। इसमें क्या है कि यूएन का एफर्ट है कि हम 2030 तक ना, 2030 तक हम क्या करें, लैंड और सी का टोटल 30% एरिया हम कंजर्वेशन के अंडर लेके आए, प्रोटेक्शन के अंडर लेके आए, टू हेल्प द बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स, और इसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चे इसका? हाँ जी, इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर बच्चे क्या होगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर होगा सी, बाय मिस्टेक ये टाइपो एरर है, इसका आंसर क्या होगा? सी। ये सारे अभी रिसेंट जो है न्यूज से क्वेश्चंस है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेगा ट्रोपिकस। मेगा ट्रोपिकस क्या है? मेगा ट्रोपिकस एक सैटेलाइट है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, इट वाज जॉइंट इंडो फ्रेंच सैटेलाइट लॉन्च इन 2011। फाइन। सेकंड स्टेटमेंट है, इसरो विल अंडरटेकिंग ए चैलेंजिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ कंट्रोल्ड री एंट्री ऑफ डीकमिशन्ड मेगा ट्रोपिकस सैटेलाइट ऑन मार्च 7, मतलब कल क्या होगी री एंट्री ऑफ मेगा ट्रॉपिकस इन अर्थ एटमोस्फियर, पहली बार हो रहा है री एंट्री जोन ऑफ मेगा ट्रॉपिकस वन इन इंडियन ओशन, मतलब इंडिया करवा रहा है पहली बार, और ये सैटेलाइट री एंट्री के लिए जो नहीं बना था उसको पहली बार हम लेके आ रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये 2011 में था और 2021 में डीकमीशन हो गया, मतलब 2011 तक ये क्लाइमेट और वेदर रिलेटेड आपका डेटा भेजता रहा, 2021 में डीकमीशन हो गया, अब ये ऐसे ही घूम रहा है। अब इसको देखो फिर क्या बनता है, आपका जंक बनता है, स्पेस जंक बनता है, तो उसको अवॉइड करना है कि नहीं करना? वो क्या नुकसान कर सकता है जो सैटेलाइट्स को, अगर हम उसे री एंटर करा दें कहां, एटमोस्फेयर में, तो वो स्पेस डेब्रीज का हिस्सा नहीं बनेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सेकंड भी बिल्कुल ठीक है, थर्ड में इश्यू है, री एंट्री जोन ऑफ मेगा ट्रॉपिकस इज इंडियन ओशन, नहीं ये पैसिफिक ओशन है। ये कहां आएगा बच्चे? पैसिफिक ओशन में आएगा। ये कहां आएगा? पैसिफिक ओशन में। तो आपका आंसर क्या होगा? वन एंड टू, ओनली वन एंड टू आर करेक्ट, ओनली वन एंड टू आर करेक्ट आपका आंसर होगा। रिसेंटली इन न्यूज, ट्यूरिंग टेस्ट इज अबाउट, ये भी देखो ये भी न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? देखो न्यूज में है, पहले आंसर कर लेते हैं। चलिए, इट इज द सॉफ्टवेयर विच कैलकुलेट द एसेसिबिलिटी ऑफ टूरिस्ट प्लेस, इट टेस्ट टू फाइंड आउट द कंप्यूटर कैपेबल ऑफ मिमिकिंग ह्यूमंस, दैट इज टेस्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तीन ऑप्शन है, फोर्थ एंड नन ऑफ दीज। इसका आंसर है आपका बी आंसर है। देखिए एलन टूर आपका, एलन टर्न आपका क्या था, एक स्कॉलर था 1930s का। ये टेस्ट होता है टू टेस्ट AI बेस्ड मशीन की वो ह्यूमन जैसे मिमिक कर सकती है कि नहीं कर सकती। ये बिल्कुल सिंपल टेस्ट होता था। देखो एक साइड कंप्यूटर है, दूसरी साइड ह्यूमन है, दोनों रिस्पोंड कर रहे हैं, थर्ड एक आपका क्वेश्चनर है, ये क्वेश्चन पूछेगा दोनों से, इसे नहीं पता A और B कौन सा आपका कंप्यूटर है कौन सा ह्यूमन है।
जब ये आंसर करेगा कि कौन सा ह्यूमन है, कंप्यूटर से बात कर रहा है, ह्यूमन से बात कर रहा है, एग्जैक्टली मिमिक करेगा, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जैक्टली मिमिक करेगा ह्यूमन कंडीशंस को। ये टूरिंग टेस्ट होता है। एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम टूरिंग टेस्ट करते हैं ताकि हम बता पाए कि ये कितना क्लोज है ह्यूमंस के, कितना क्लोजली मिमिक कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए, अभी नैनो यूरिया और नैनो डीएपी न्यूज में है तो आंसर करिए। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नैनो यूरिया। इफको, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हैज रिसीव्ड द पेटेंट ऑन नैनो यूरिया। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इंक्रीजेस द अवेबिलिटी ऑफ क्रॉप बाय 80%। इंक्रीजेस द फर्टिलाइजर, अगर कर रहे तो हम फर्टिलाइजर अवेबिलिटी बाय 80%। नैनो यूरिया नाइट्रोजन की अवेबिलिटी 80% तक बढ़ा देता है। सेकेंड स्टेटमेंट ये है, इट इज अप्लाइड टू द रूट्स ऑफ द प्लांट। देखिए आंसर क्या होगा इसका, ए। थर्ड आंसर नहीं होगा। नैनो यूरिया क्या है, आपका पार्टिकुलेट मैटर जो होगा वो 22, अगर मैं बोलूं 20 to 50 नैनोमीटर का होगा, ठीक है, बहुत छोटा, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू सेल वॉल और थ्रू लीफ स्टोमेटा, अंदर जा सकते हैं, है ना, अंदर जा सकते हैं। अंदर जाके वो थ्रू फाइलम और प्लास्मोडेटा, प्लास्मोडेटा है दो सेल्स के बीच का गैप होता है, सेल वॉल के बीच का गैप होता है, जिसके प्लास्मोडेटा होता है आपका, प्लास्मोडेस्मेटा होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा की सेल्स के बीच में कनेक्शन है, सेल्स के बीच में क्या है, कनेक्शन है, सेल्स के बीच में कनेक्शन है, उसके थ्रू मूव कर सकता है यूरिया सारे पार्ट्स में, प्लांट्स के सारे पार्ट्स में वो पहुंच जाएगा। अब देखो, फॉयल एप्लीकेशन मतलब थ्रू लीव्स इसकी एप्लीकेशन बेटर होगी, रूट के थ्रू नहीं, तो ये लीव पे छिड़का जाएगा बाय ड्रोन्स। और इसकी मात्रा मैं बताऊं, 500 ml, जैसे अगर मैं बात करूं पूरे एक, जितना एक एकड़ के लिए चाहिए होता है, 500 ml से काम चल जाएगा। तो थोड़े में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी घटेगा, ठीक है, एप्लीकेशन भी ज्यादा होगी, थोड़ा लगेगा, 80% तक ज्यादा इंक्रीज कर रहा है अवेबिलिटी, तो ऑब्वियसली उसकी खपत कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। फिर आपकी जैसे यूट्रिफिकेशन वगैरह की प्रॉब्लम है वो भी कम होगी, क्योंकि ये सोयल में नहीं जाएगा। आप छिड़क कहाँ रहे, कहाँ छिड़क रहे, इसको लीव्स पे, तो कम जाएगा ना सोयल में, और आप मात्रा अमाउंट कम छिड़क रहे हो तो जो वेस्ट है वो कम होगा। दूसरा, इसकी प्रोडक्शन भी एनर्जी इंटेंसिव नहीं है, जो आपके ट्रेडिशनल मेथड की जो प्रोडक्शन है वो बहुत एनर्जी इंटेंसिव है, तो खर्चा कम पड़ता है इसका। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इलस्ट्रेट द इंपोर्टेंस ऑफ कोरल रीफ्स, दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। यस, देखो जहां कोरल रीफ्स होंगे वहां फिशेज ज्यादा होंगी, तो आपके पास स्टेटमेंट ठीक होगी, फिशिंग ग्राउंड्स अच्छे होंगे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। दे सप्लाई बिल्डिंग मटेरियल, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, क्या होते हैं, कैल्शियम बेस्ड शेल्स होते हैं, पत्थर प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग, आपका रोड्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। दे प्रोटेक्ट शोरलाइन फ्रॉम स्टॉर्म्स, दे वो बैरियर का काम करते हैं, वो किसका बैरियर का काम करते हैं, स्टॉर्म और सर्जेस से बचाते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक होगा। दे प्रोटेक्ट द कम्युनिटीज फ्रॉम अर्थक्वेक, ऑब्वियसली ये गलत होगा क्योंकि ऐसा साइंटिफिक एविडेंस कुछ है नहीं। आंसर क्या होगा आपका, डी आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अकेशिया ट्री इज करेक्ट। अकेशिया होते हैं जैसे आपका, हाँ जी, कीकर के जो ट्री होते हैं उनमें, डेजर्ट में पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं आपके, डेजर्ट में पाए जाते हैं। इट हैज लॉन्ग शेलो रूट सिस्टम विच एनेबल्स इट टू फाइंड द मॉइस्चर। अब इसमें शेलो नहीं आएगा, डीप रूट्स होती हैं ताकि मॉइस्चर, वो डीप मॉइस्चर ले पाए। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी, दे प्रोड्यूस पॉइजनस एल्कलॉइड। हाँ, ये इनका एक अडेप्टेशन का मेथड है। अब आप कहोगे सर अडेप्टेशन का मेथड, जैसे इनमें एनिमल्स इसके पत्ते को खाते हैं ना, तो सिग्नल पहुंच जाता है, सिग्नल पहुंचते ही वो क्या है, सिग्नल पहुंचते ही वो क्या करेगा, एल्कलॉइड प्रोड्यूस करेगा जो पॉइजनस होता है उस एनिमल के लिए, कैटल के लिए, बिल्कुल ठीक है। दे हैव सिम्बायोटिक रिलेशन विद स्टिंगिंग एंट्स, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 and 3, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पिजन, तीन ऑप्शन है आपके पास, तीन। इट इज रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय मीन्स ऑफ सेल डिविजन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इट इज रिलेटेड विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवियर न्यूक्लियाई इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई।
इट इज रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ हैवियर न्यूक्लियाई बाय मीन्स ऑफ कंबाइनिंग टू हायर न्यूक्लियाई। देखो पहली दो ठीक है, ये बायोलॉजी के हिसाब से ठीक है, और ये फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स में, कि आपका एक सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं, यहां आपका एक बड़े न्यूक्लियाई से दो स्मॉल न्यूक्लियाई बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका यूरेनियम 235 टूटकर क्रिप्टॉन और बैरियम बनेगा, ये उल्टा है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन है। तो आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, मतलब आपका वन एंड टू करेक्ट है, थर्ड गलत है। फाइन। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, ये एक बायो का क्वेश्चन है, हेल्थ एंड डिजीज से क्वेश्चन आते हैं, इसका आंसर होगा ट्रिपनोजोमा। आंसर क्या होगा, ए, ये अफ्रीका में ज्यादा पाई जाती है, ये आपका एक प्रोटोजोआ है। ये क्या है, प्रोटोजोआ। लेशमेनिया भी प्रोटोजोआ है, कालाजार कोज करता है, ये क्या कोज करता है, कालाजार। बिहार वगैरह यूपी वगैरह में कालाजार होता है, अमेरिकन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड अफ्रीका। प्लाज्मोडियम मलेरिया का आपका क्या है, पैरासाइट है, तो आपको पता होना चाहिए स्लीपिंग सिकनेस किससे होती है, ट्रिपनोजोमा से। लास्ट आपका, एन एंटीबायोटिक इज नॉट यूजफुल अगेंस्ट वायरस वेर एज ए वैक्सीन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन। एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, क्यों नहीं करती है, उसका रीजन है, एंटीबायोटिक जो है, जो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन अगर मैं बोलूं लाइफ प्रोसेसेस होती है, उसको उसको हिंडर करती है और आपके बैक्टीरिया को किल कर देती है। वायरस का खुद की तो मशीनरी होती नहीं है, तो एंटीबायोटिक उस पर काम करेगी नहीं, गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन जो है वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स करवाती है, तो जिसके कारण जो है हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है वायरस के अगेन, इसलिए वैक्सीन वायरस के केस में कामयाब होती है। तो देखिए कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी, एन एंटीबायोटिक कैन ब्रेक आरएनए ओनली, गलत है ये, एन एंटीबायोटिक इज कार्बोहाइड्रेट इन इट्स केमिकल नेचर वेयर एज ए वैक्सीन इज, गलत है ये भी, ओनली ए वैक्सीन कैन ब्रेक द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए वायरस, बिल्कुल गलत है। लास्ट वाली, ए वायरस डज नॉट यूज बायोकेमिकल पाथवे जैसे ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन विच कैन बी ब्लॉक्ड बाय एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक बायोकेमिकल पाथवे को ब्लॉक करती है, बट ए वैक्सीन कैन बूस्ट इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट वायरस, बिल्कुल ठीक है। लास्ट वाली स्टेटमेंट आपकी ठीक है, आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए यहां ओवर करते हैं हम हमारा सेशन, होप यू लाइक इट, थैंक यू सो मच।